राजस्थान में महिला सुरक्षा बड़ा चुनावी मुद्दा है। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया है। राजस्थान की आधी आबादी पर बीजेपी ने दांव लगाया है। बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार मुख्यमंत्री महिलाएं ही बनाएंगी। मोदी ने आज अपनी दो दो जनसभाओं में महिलाओं का जिक्र किया। मोदी के बाद योगी बीजेपी के दूसरे बड़े स्टार प्रचारक हैं। योगी ने भी महिला सुरक्षा पर ही फोकस किया। यहां तक कि असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का फोकस भी महिलाओं पर है। आखिर ये राजस्थान में कांग्रेस की दुखती रग क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या राजस्थान रेपिस्तान बन गया है? क्या राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं? क्या सत्ता से जुड़े नेता ही बेटियों के लिए खतरा हैं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में महिलाओं के स्वाभिमान का दम भरते हैं। महिलाओं के स्वाभिमान की बात करने प्रियंका गांधी राजस्थान जाती हैं। यूपी में वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लगाती हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पर बात होती है तो बहुत से जख्म निकल आते हैं। प्रतापगढ़ के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा के पिता के खिलाफ बलात्कार का आरोप है। चुनाव से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत कटघरे में खड़े हैं। ये हालात क्यों हैं? इसे भी समझने की जरूरत है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताते। जाहिर है ये टिप्पणी रेशियल है, महिला विरोधी है। प्रधानमंत्री ने भरतपुर की सभा में इस पर तीखा प्रहार किया। उनका आरोप था कि गहलोत ने राजस्थान को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बना दिया है। राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती हैं, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। क्या राजस्थान के मर्द जो इस मिट्टी के लिए मौत को आलिंगन करने वाले शौर्य से भरपूर यहां के मर्द होते हैं, यहां के मर्द बहन बेटी की इज्जत की जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, क्या राजस्थान की कोई भी मां बहन बेटी इस बयान को स्वीकार कर सकती है? ये बयान राजस्थान की हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय इनाम दे दिया है। टिकट, दिल्ली वाले भी इससे सहमत हो गए। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में महिलाओं का बड़ा रोल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े। मोदी ने संसद में आरक्षण देकर उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया है। नागौर की जनसभा में तो मोदी ने खुलकर कहा, जिस तरह महिलाएं दीपावली पर घर की सफाई करती हैं, इस बार राजस्थान में वही कांग्रेस की सफाई करेंगी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की,
भारत माता की कि हमारी माताएं बहनें वैसे तो पूरे घर को बहुत साफ सुथरा रखती हैं, बारह महीना वो मेहनत करती हैं, लेकिन दिवाली के दिनों में घर के कोने कोने में सफाई करती है। कोई कोना छूट ना जाए, छोटी सी बारीक जगह भी छूट ना जाए सफाई से। ये चुनाव में हमें उन माताओं बहनों से सीखना है, हमने भी ऐसी सफाई करनी है कोने में भी कांग्रेस बच न जाए। मेरी मदद करेगी ये सफाई, आपको दिवाली में बहुत सफाई की है लेकिन राजस्थान के लिए ये सफाई जरूर करनी पड़ेगी, करेंगे। कांग्रेस ने यहां आपको भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार दी, जहां सामान्य मानवी की जान सुरक्षित नहीं, जहां बहनों बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं। हर दबंग, हर दंगाई खुद को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कम मानता ही नहीं था, और इसलिए ही यहां बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। यहां नागौर में भी बेटियों से गैंगरेप हुआ, और आपको चिंता सताती हो कि शाम को सलामत घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कहीं बेटी पर कहीं बलात्कार तो नहीं हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बयानों पर इसी तरह हमलावर होंगे। राजस्थान में यूं भी एनसीआरबी के आंकड़े उसे महिला अपराध के मामले में डार्क साइड में खड़ा करते हैं। 2021 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में हर 1 लाख की आबादी पर 16% से ज्यादा की दर से बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। ये मामले देश में सबसे ज्यादा थे। इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध प्रमुख चुनावी मुद्दा है। सीएम योगी भी राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद वो चुनाव में सबसे अधिक डिमांड में हैं। सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। 2017 में सीएम बनते ही योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई थी। नतीजा साफ देखने को मिला। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। राजस्थान में महिला अपराधों पर बुलडोजर बाबा अपने अंदाज में हमलावर हैं। उन्होंने जालौर में गहलोत सरकार पर हमला बोला। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान हर मामले में पिछड़ता जा रहा है, विकास में पीछे, गरीबों को योजना देने में पीछे, बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने में पीछे। आज नंबर 1 पर जब चर्चा होती है भाइयों बहनों, तो राजस्थान में इस बात की चर्चा होती है कि भाइयों बहनों, जो राजस्थान कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, आज उसी राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर 1 पर है। यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इन माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल सके। बेटियों की, बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व को अगर कोई समर्थन करेगा तो याद रखना, उसके पाप से भी वंचित नहीं रहेगा।
हम दोनों साथ साथ दिल्ली में सांसद थे।